का औपचारिक कार्यक्रम रखा गया है, मुख्यमंत्री मौजूद हैं यहाँ पर, उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं और साथ ही साथ आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला भी यहाँ मौजूद है। दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं और दिनेश शर्मा भी हैं। खेल मंत्री चेतन चौहान है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन है, ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। चूंकि 24 साल बाद ये महा आयोजन हो रहा है, महा मुकाबला हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मैच है, अंदाजा लगाइए कि 24 साल तक कोई मुकाबला हुआ ही नहीं। और जो इसके पहले 24 साल पहले लखनऊ में मुकाबला हुआ था केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, वो आपको पता ही है, हंगामे की भेंट चढ़ गया था। बहरहाल अब तस्वीरें बदली है, सरकार बदली है और भव्य अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया। हालांकि आप पीछे देखेंगे जहां मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं उसके पीछे आपको इकाना क्रिकेट स्टेडियम ही लिखा दिख रहा है, तो हम लोग इकाना क्रिकेट स्टेडियम ही कहते हैं। लखनऊ से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। चूंकि इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या निकलना है, अयोध्या में काफी भव्य कार्यक्रम है और उसके पहले स्वागत किया जा रहा है। राजीव शुक्ला आईपीएल के चेयरमैन हैं और कांग्रेस के नेता हैं, इनका स्वागत किया गया। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे, डीजीपी, तमाम लोग बैठे हैं, ओपी सिंह भी बैठे हुए हैं यहां पर। प्रतीक चिन्ह दिया गया राजीव शुक्ला को। काबिले तारीफ आयोजन रहा आईपीएल मैच, जैसा कि राजीव शुक्ला उसके चेयरमैन है। और अब इकाना स्टेडियम में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मैच। तो ये सीधी तस्वीरें आप भारत समाचार के जरिए देख रहे हैं, महा मुकाबले से पहले क्या हो रहा है, भारतीय टीम क्या कर रही है, वेस्टइंडीज की टीम क्या कर रही है और इसके साथ ही साथ उस स्टेडियम में क्या हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार के जरिए आप देख रहे हैं। औपचारिक शुरुआत हो गई, तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, दीप प्रज्वलित किया, दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आज पहला मैच है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम या फिर इकाना स्टेडियम, अब इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रख दिया जाएगा। अब राजीव शुक्ला कह रहे हैं कुछ। यूपी सीए के सचिव हैं, ये कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं इनकी बात सीधे। अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, जो आज इस क्रिकेट मैच को कवर करेंगे। अभिषेक, ये कहाँ कार्यक्रम रखा गया है और जरा इस कार्यक्रम के बारे में बताइए आप। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जिसका कल ही नामकरण किया गया है इकाना स्टेडियम का, वहाँ पर ये कार्यक्रम है और औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्टेडियम को क्रिकेट प्रेमियों को समर्पित कर दिया है, यानी उसका उद्घाटन कर दिया गया है। इसी स्टेडियम के एक पवेलियन में कार्यक्रम है जिसमें औपचारिक रूप से इस स्टेडियम को खेल प्रेमियों को समर्पित किया जा रहा है। तमाम बड़े नेता मौजूद है यहाँ पर, यूपीसीए यानी यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, खेल मंत्री चेतन चौहान भी मौजूद है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद है। और खास बात है कि आज ही शाम को 7 बजे भारत और वेस्टइंडीज के बीच में T20 इंटरनेशनल मैच होना है, तो स्टेडियम के बाहर तमाम हजारों की तादाद में खेल प्रेमी भी है जो शाम का इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे यहाँ पर मैच का लुत्फ उठाएंगे। लेकिन जाहिर तौर पर आज लखनऊ के लिए बेहद खास दिन है क्योंकि इतने लंबे समय बाद यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच होने जा रहा है, तो लखनऊ के लोग खासे उत्साहित हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात भी जरा बता दीजिए अभिषेक, चूंकि आपको, आपने सुना भी होगा 24 साल जो पहले मैच हुआ था वो काफी हंगामे की भेंट चढ़ गया था, लेकिन इस बार सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है और स्टेडियम भी बहुत भव्य है, पूरे देश में इस स्टेडियम का नाम है। जी बिल्कुल, इतना खास स्टेडियम बनाया गया, इतना खूबसूरत है, इस पर धब्बा ना लगे, अंतर्राष्ट्रीय मैच बेहद शानदार तरीके से हो जाए, इसको लेकर के खास सुरक्षा बरती जा रही है।
एक चिंता का विषय है कि कल दीपावली है और ऐसे में कोई कोई उत्साह में फायर क्रैकर्स लेकर के स्टेडियम के अंदर ना जाए, इस बात को भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं इस स्टेडियम पे, सब पे चेकिंग फ्रिस्किंग कराई जा रही है। बिना पास की गाड़ियों की एंट्री को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। खेल प्रेमी जिनके पास वैध पास होंगे या फिर टिकट होगा, सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिलेगी। तो सुरक्षा को लेकर के काफी चाक चौबंद इंतजाम किया गया है। तो सुरक्षा को लेकर काफी चाक चौबंद इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ औपचारिक उद्घाटन कर दिया गया है, जैसा कि हमारे संवाददाता अभिषेक बता रहे हैं। इस वहां से आप सीधे तस्वीरें भी देख रहे हैं। कितने बजे से अभिषेक, चूंकि आप स्टेडियम गए, घूम कर भी आए और बहुत करीब से देखा है, जरा उस स्टेडियम के बारे में बताइए और दर्शक कितने बजे एंट्री यहां से कर पाएंगे वो भी बताइए। देखिए, तकरीबन 50,000 की क्षमता है, सीटिंग कैपेसिटी है, देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसको बेहद शानदार तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मानक है उनको ध्यान में रखकर के बनाया गया है। 3 बजे का वक्त है जब एंट्री पॉइंट खोले जाएंगे, जो दर्शक है शाम के मैच के ये अपने स्टेडियम के अंदर जा सकेंगे, अपने टिकट दिखा करके जाकर के अपने जो उनके निर्धारित जगह है वहां पर बैठ सकेंगे। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसकी तैयारियां सुबह से ही शुरू हो गई हैं। हर गेट पर वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है ताकि जो दर्शक आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो। तो बिल्कुल, अभिषेक ने कई अहम जानकारियां दी। आपको बता दें कि सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो लखनऊ की धरती पर खेला गया था वो 1952 में खेला गया था और उसके बाद जो अभी हाल ही में, बल्कि क्या कहिए, 24 साल पहले जो हुआ था वो भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच खेला गया था और अब T20 का अंतर्राष्ट्रीय मैच यहां पर 7 बजे होने वाला है। उसकी शुरुआत यहां पर CM योगी आदित्यनाथ ने कर दी है, राजीव शुक्ला यहां पर मौजूद है और साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद है। अभिषेक ने बताया कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, काफी भव्य स्टेडियम बनाया गया है। कितने हजार एक साथ दर्शक यहां पर बैठ सकते हैं अभिषेक, जरा ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, 50,000 की क्षमता है इस स्टेडियम की, जो स्टेडियम प्रशासन है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है 50,000 की क्षमता है, लेकिन जो सीटें निर्धारित की गई हैं BCCI और ICC के मानकों पर वो 44,000 है, यानी 44,000 पास और टिकट बेचे गए हैं। इसके अलावा इस पूरे स्टेडियम में काम करने के लिए तमाम तरीके के प्रशासनिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। स्टेडियम प्रशासन के लोग रहेंगे, पुलिस का एक भारी भरकम बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है, वो भी स्टेडियम के दौरान सादी वर्दी में भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। ATS को भी लगाया गया है, तो कई नए आपको मानक देखने को मिलेंगे ताकि स्टेडियम के अंदर कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, मैच बहुत अच्छे से हो। दोनों टीमें हैं, भारत और वेस्ट इंडीज की, वो आ चुकी है और अपने थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि यहाँ पर आकर के वो प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेंगे और उसके बाद शाम को 6:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, टॉस होगा और दर्शकों को इसका इंतजार है। अभिषेक, लखनऊ की धरती भारतीय टीम को खूब भाती है, जो इसके पहले मुकाबला हुआ था एक पारी और 119 रनों से भारतीय टीम ने हराया था। उस वक्त क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाया था और अनिल कुंबले ने 11 विकेट लिए थे। इस बार भी लखनऊ की जनता को बड़ी उम्मीदें होंगी, हालांकि विराट कोहली को मिस कर रहे होंगे। क्रिकेट किसी मजहब से कम नहीं है और लखनऊ में मैच हो रहा है, लखनऊ के लोग क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, तो यहाँ पर भारी तादाद में पहुंचे हैं। हालांकि एक निराशा है कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली इस मैच का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों से हमारी बात हुई जो यहाँ पर आए हुए हैं मैच देखने के लिए, उनका कहना है कि वो रोहित शर्मा को यहाँ पर शतक लगाते हुए देखना चाहते हैं और जो यहाँ के स्टेडियम से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी कहना है कि स्टेडियम को इस तरीके से बनाया गया है, आउटफील्ड इतनी अच्छी है कि यहाँ पर एक हाई स्कोरिंग मैच होगा। जाहिर तौर पर अगर मैच हाई स्कोरिंग होता है तो लोगों का एंटरटेनमेंट भी उतना ही होगा। अच्छा अभिषेक, जो दर्शक है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 50,000 लोग यहाँ पर आज इकट्ठा होंगे, तो आपको तो पता है, आपने कई लोगों से बात की है, सुरक्षा कर्मियों से बात की है, इस स्टेडियम के MD से आपने बातचीत की है, तो अंदर क्या क्या ले जा सकते हैं और क्या क्या बैन है, जरा वो बता दीजिए जिससे उन्हें प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। देखिए, एडवाइजरी पुलिस की तरफ से कल ही जारी कर दी गई थी और कल देर शाम लखनऊ के SSP की तरफ से सख्त हिदायत भेजी गई है कि सिर्फ और सिर्फ तिरंगा झंडा, जो कागज का बना होगा या फिर कपड़े का बना होगा, उसको लेकर ही आप स्टेडियम के अंदर जा सकते हैं और उसकी भी चेकिंग कराई जाएगी। इसके अलावा पानी की बोतल, खाने पीने का सामान, फायर क्रैकर, इसके अलावा गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, माचिस, सभी चीजों को प्रतिबंधित किया गया है और हर एक गेट पर बेहद सख्ती के साथ इसकी तलाश की जा रही है।
इसका मतलब साफ है कि अगर आप क्रिकेट प्रेमी है तो सिर्फ और सिर्फ आप भारत का तिरंगा झंडा लेकर के, या फिर अगर वेस्ट इंडीज के भी कुछ क्रिकेट प्रेमी आते हैं कहीं से तो वो वहाँ का झंडा लेके अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, उस झंडे के साथ आप पाइप वगैरह या डंडा नहीं ले सकते हैं? नहीं, देखिए उसकी वैध परमिशन होगी, क्योंकि झंडा अगर आपको फहराना है, झंडा लहराना है, तो उसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए हर गेट पर चेकिंग कराई जा रही, पुलिस का भारी भरकम इंतजाम किया गया है ताकि जो एडवाइजरी है उसके मानकों का 100% पालन किया जाए। कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज, ऑब्जेक्शनेबल मैटर, ऑब्जेक्शनेबल वस्तु कोई भी अंदर ना जा पाए, क्योंकि आप अगर आप पहले गेट पे पार कर लेते हैं तो आपको अंदर के गेट पे चेक कराना होगा, फिर उसके बाद आपको एक और गेट मिलेगा, तो आप कहीं से भी कोई ऐसी अवैध। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका।